बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सहरिश कुज़ीन। आज हम बनाने बहुत ही मज़े का चिकन का तजिया। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, फ्लैट ब्रेड या टोटेला रैप, आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ चाहिए हमें। कुकम्बर के स्लाइसेस लेंगे, आप इसको चॉप भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और टमाटर लेंगे, इसको भी आप चॉप ले सकते हैं। इमली की चटनी चाहिए। और शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी हम चॉप कर लेंगे। लेटस चॉप लेंगे। और बटर चाहिए हमें अनसॉल्टेड। मायो और केचप चाहिए। चिकन टिक्का लेंगे। और चिकन टिक्का बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो चिकन हमें बोनलेस चाहिए, तकरीबन 250 ग्राम क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। 1 टेबलस्पून रोस्टेड एंड क्रश कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड। और हाफ टी स्पून इसमें नमक और गरम मसाला। 2 टेबलस्पून इसमें हम दही लेंगे। 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला लेंगे। आप तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं। तो तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन में, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का भी ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको पैन में ऐड करेंगे। ऑयल इसमें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 1 टेबल स्पून ऐड कर चुके हैं। इसको हम कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। तो ये चिकन हमारा टेंडर हो गया है, ज़बरदस्त जूसी साहब। इसको हम स्मोक देंगे। तो इसको हम ऑयल तक गर्म कर लिया है, इसमें हल्का सा ऑयल डाल कर इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ये हमारा टिक्का रेडी हो जाएगा। तो अब हम फ्लैट ब्रेड या टोटेला जो आपके पास अवेलेबल हो आप बोल रहे हैं, उसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। तो इसमें आप ज़्यादा रनी मटेरियल मत यूज़ कीजिएगा, तो उसको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसमें हम हल्का सा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे और टमाटो स्लाइस ऐड करेंगे। आप इसको चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम और ककम्बर ऐड करेंगे। चिकन टिक्का ऐड करेंगे। लेटस ऐड कर देंगे। फिलिंग में जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत जल्दी से बन जाता है। इसमें अगेन हम केचप ऐड कर देंगे और इमली की चटनी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इससे बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है और जो बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। और इसको अब हम दूसरे ब्रेड से कवर करेंगे। 1 टीस्पून हम बटर लेके उसको हल्का मेल्ट कर लेंगे पैन पे, और इसमें हम अपने ये ब्रेड को रख देंगे। इसको हम एक साइड से कुक कर लेंगे पहले ताकि हमारी चीज़ थोड़ी मेल्ट हो जाए। और अब इसको हम फ्लिप करेंगे, तो प्लेट हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और अपने पैन को उस तरीके से फ्लिप कर लेंगे। और दोबारा से हम अपने टिक्का को पैन में रख देंगे। इसको हल्का सा इस तरीके से पैक करेंगे। थोड़ा सा बसर और ऐड करेंगे नीचे की तरफ। यह ज़बरदस्त सा हमारा कैसेडिया रेडी हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े का यम्मी सा हमारा कैसेडिया चिकन रैप रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। फीलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।